बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा को लेकर भी 6 टिकटों की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा से अशोक तंवर को भी टिकट दी। इस वक्त खुद अशोक तंवर साहब सबसे पहले आपको बधाई, बीजेपी ने आपको टिकट दे दी है। जो बीजेपी की तरफ से आपको टिकट दी गई है, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा फैसला बीजेपी वाला मान का है? बड़ा फैसला है। मेरे जैसा आदमी जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा था और जिसके साथ उन्होंने देखा कि भाई अन्याय हो रहा है, उसको ये मौका दिया, सहारा दिया। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके साथ अन्याय पार्टियां करती है, लोग करते हैं, उनका विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी में, आज उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में कमल के निशान में, इसलिए मैं तो आभारी हूँ। मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, विप्लव देव जी का, नायब जी का, लाखों लोगों का। पहले आप बीजेपी में गए, कुछ दिन में ही टिकट ले आए, यानी मानकर चले कि टिकट की कमिटमेंट बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट इस बात का करती है कि आप काम करोगे, देश के लिए सोचोगे तो आपके बारे में सोचोगे। अशोक तंवर कोई डीलर तो है नहीं कि मैं कोई ये कहूँ कि जी मेरे को टिकट दो और फिर मांगा। मैं तो बिना किसी शर्त के वहाँ पर गया था। मैंने कहा था जी आप लड़वाओगे लड़ लेंगे, नहीं लड़वाओगे कोई बात नहीं। मैंने तो 10 की 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आए, जो सपना हमारा पीछे अधूरा रह गया था 75 पार का, वो आने वाले समय में पूरा हो। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका मार्जिन जितने विपक्ष के टोटल वोट हैं उनसे डबल से ज़्यादा हमारा मार्जिन हो, इसके लिए सिरसा में मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं? क्योंकि अगर सिरसा की बात करें, वो लोकदल की पुरानी बैठ रही है, कांग्रेस से आप भी सांसद वहाँ से बने हैं पुराने समय में, तो मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि जब जनता किसी पार्टी के साथ होती है और जिसका कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है, जिसका संगठन मजबूत होता है, जहाँ अनुशासन होता है, उसका किसी से मुकाबला होता है? आप ही से मैं पूछूंगा, आप भी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मैं नरवाना से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नरवाना में ही मेरे को बता देना हमारे मुकाबले में कौन है। मैं फिर मैं नहीं, ये बाकी सारे साथी देखेंगे, उनको हरियाणा की जनता देखेगी, नरवाना की जनता देखेगी। सुनीता दुग्गल का साथ मिलेगा आपको? बिल्कुल, सबका साथ मिलेगा। अनुशासन इस पार्टी का बुनियाद है और सब लोग मिलकर के काम करते हैं। किसी को भी टिकट मिले इस पार्टी में, कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं इसका वो करूँगा। यहाँ वो कांग्रेस की संस्कृति है, दूसरी पार्टियों में एक दूसरे का पैटा निकालते हैं, एक दूसरे का इलाज करते हैं, एक दूसरे को हराते हैं, एक दूसरे को खत्म करते हैं, और उनकी ये संस्कृति, उनको मुबारक। बाकी जब तक वो ऐसे रहेंगे तब तक देश विकसित होता रहेगा। 5 टिकटों की बात कर ले, मनोहर लाल साहब को भी टिकट मिल गई करनाल से, राव साहब को दोबारा टिकट मिले। मनोहर लाल जी ने तो एक त्याग का परिचय दिया, नहीं तो कांग्रेस में आप देख लो ढाई साल की जहाँ बात हुई, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो कोई सरकारें तो गिर गई और कोई जो है एक बार फिर से बैठ गया, वो छोड़नी। मनोहर लाल जी तो पार्टी का अंदरूनी फैसला है, कब ये बात चर्चा हुई, क्यों हुई, क्या कारण है, लेकिन मनोहर लाल जी के बड़े रोल को हरियाणा देखना चाहता है और यही मुझे लगता है लीडरशिप। आपने कहा कि क्या किया मनोहर लाल साहब, कांग्रेस में ऐसा त्याग संभव है? कांग्रेस में ऐसा त्याग नहीं है, वहाँ तो इतने में लठ चल जाते हैं, गोलियाँ चल जाती है, खून खराबा हो जाता है, टिकटों के ऊपर वो संगठन तो बना नहीं पाते। जिस संगठन को बनाने के लिए मीटिंग होती है उसी में जूतम बाजारी हो जाती है, वहीं लड़ पड़ते हैं। कांग्रेस में आप किसे आमंत्रित करना चाहेंगे जो आपके मुकाबले आए चुनावी मैदान में? वहाँ पर वहाँ एक कांग्रेस का कैंडिडेट टिकट मांग रहा था, उसने मेरे को फोन किया था 2-4 दिन पहले, बोले भाई साहब मैंने तो ऊपर बता दिया हारेंगे सारे, कोई 3 से हारेगा, कोई 4 से हारेगा, कोई 5 से हारेगा, कोई 6 से हारेगा, कितने से किसको हराना है उसको ले आओ मैदान में। ये खुद कांग्रेस के उम्मीदवार ने मेरे को बताया। मुद्दा क्या निकलता है लोगों के बीच? मुद्दा विकसित भारत, विकसित हरियाणा, किसान मजदूर को आने वाले समय में और ताकत दे, सिरसा के अंदर उद्योग धंधे लगे, वहाँ रेलवे लाइन और ज़्यादा बिछे, रोड हमने उस समय 4 लेन बनवाया था, न्यूक्लियर प्लांट वहाँ पर है, वो जल्दी से जल्दी बन के हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। वो तो एक एक टिप्स पे है, अपने गांव-गांव टिप्स पे है और 15 साल से उन्हीं लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने जो पहले किया वो भी हमें कबूल, जो अब करेंगे वो भी हमें कबूल। हम तो सेवा करने के लिए एक साधारण फौजी किसान मजदूर परिवार के बेटे को फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने ये मौका दिया है, हम पहले से ज़्यादा और ऊर्जा के साथ काम। बिल्कुल, देखिए पार्टी ने तो मौका दे दिया है, सिरसा की जनता तंवर साहब को सेवा का मौका देगी नहीं देगी भविष्य की बात देगी। तंवर साहब ने कहा है कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच चोर लुटेरे।